दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट डायग्राम के बारे में बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारा क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम सिंगल लाइन डायग्राम के लिए, हमारा ये जो रेड वाली लाइन होती है हमारी, ये फेस वायर होती है और एक होती है हमारी न्यूट्रल वायर जो हमारी कंट्रोलिंग होती है, वो 230 वोल्ट एसी पर कार्य करती है। सबसे पहले हम या तो एमसीबी 6 एम्पियर की या एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज या एमसीबी लगाने के बाद हमारा स्टार्टर में मेन कॉन्टैक्टर, नंबर दो स्टार कॉन्टैक्टर, नंबर तीन डेल्टा कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं और एक हम ओएलआर यानी ओवरलोड रिले का यूज करते हैं और हम इंडिकेटर भी लगा देते हैं ट्रिप और रन, यानी स्टार्ट स्टॉप और ट्रिप का भी एक इंडिकेटर हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले कनेक्शन की, तो हम सबसे पहले एक एमसीबी 6 एम्पियर की, जिससे हम फेस सप्लाई ओवरलोड रिले 95 नंबर को देते हैं और 95 नंबर से हमारी इनपुट सिंगल फेस सप्लाई होती हुई आउटपुट नंबर 96 जो एनसी होती है ओवरलोड रिले की, एनसी से सीधा हमारा स्टॉप बटन जो एनसी होता है स्टॉप बटन, उससे होता हुआ हमारा स्टार्ट बटन में सिंगल फेज सप्लाई जाती है। उसके बाद हम जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है उस स्टार्ट के जो हमारा एनओ से सीधा हमारे सप्लाई A1 को जाते हैं और A2 से हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो टाइमर होता है हमारा, उसका एनसी पॉइंट टाइमर का डेल्टा से कनेक्ट होता है और A1 डेल्टा के टाइम जो डेल्टा का एनसी होता है उसको हम स्टार के A1 एक्चुअलरिक जो सप्लाई होती है हमारे 230 वोल्ट A1 में दे देते हैं और A2 को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारा जो डेल्टा सप्लाई होती है, डेल्टा को भी हम जो हमारा स्टार्ट बटन से इनपुट सप्लाई लेते हैं हम एनओ से हमारा जो हमारा कॉमन सप्लाई होती है मेन कॉन्टैक्टर की, उससे कनेक्ट करके हमारे जो स्टार का एनसी होता है उसको डेल्टा के A1 में सप्लाई दे देते हैं। ये जो हमारा स्टार और डेल्टा होता है दोनों आपस में ये हमारे इंटरलॉकिंग होते हैं और ऐसे ही हमारा जो ये एनओ जो हमारा रनिंग स्टार्ट रन के लिए हम सप्लाई देते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, ऐसे ही हमारा ये जो एनओ होता है हमारा मेन कॉन्टैक्टर से वो रन में कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे ही ओवरलोड का नंबर 97 नंबर एनओ 98 से होता हुआ ट्रिप सर्किट को हम सप्लाई दे देते हैं। अगर दोस्तों इसकी परिभाषा की बात कर ले, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर एक सामान्य प्रकार का स्टार्टर होता है जिसका उपयोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को अपने स्टार्टिंग समय में स्टार में कनेक्शन होते हैं। जब इंडक्शन मोटर एक बार स्टार्ट होकर एक नियत गति से घूमने लगता है तब इसके स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ दिया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के निम्न तरीके से जोड़ा भी जा सकता है। आप देख सकते हैं ये हमारा A1 B1 C1 और स्टेटर वाइंडिंग है। ये एक डायग्राम है पूरा कैसे करते हैं। स्टार्टर का कार्य सिद्धांत, इंडक्शन मोटर में उत्पन्न हुआ बल आघूर्ण आरोपित वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होते हैं, अर्थात आरोपित वोल्टेज के परिणाम को बढ़ाने पर बल आघूर्ण वर्ग के अनुपात में बढ़ता है। यदि उत्पन्न हुआ टॉर्क ठीक तथा आरोपित वोल्टेज भी होता है तब, अर्थात जब वोल्टेज थोड़ी और बढ़ोतरी होगी तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जब टॉर्क में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तब बाहर से ज़्यादा मात्रा में विद्युत मोटर में प्रवाहित होगा। मोटर को स्टार्ट करते समय अचानक बहुत बड़ा परिणाम टॉर्क उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यदि मोटर को हम जो हमारे स्टार
करेक्शन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ए टू ए वन, बी टू बी वन और सी वन सी टू, और यानी ये हमारा स्टार्ट कनेक्शन होता है। जब इंडक्शन मोटर को स्टार्टर से जोड़कर स्टार्ट किया जाता है तो मोटर के स्टेटर को स्टार्ट बटन के माध्यम से स्टार में जोड़ा जाता है, और जैसे ही मोटर अपने 80% गति प्राप्त कर लेती है तो वो डेल्टा में चेंज हो जाता है। उसके लिए हमें टाइमर का यूज करते हैं, जो टेंस कंपनी का भी दोस्त एक बहुत अच्छा डिजिटल टाइमर होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये भी देख सकते हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा पेज को भी फॉलो करो, चैनल के भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।